रहे हैं। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक छात्रा ने अन्य स्कूल के एक शिक्षक पर होटल के कमरे में ले जाकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। प्रधानाचार्य ने नाबालिग छात्रा की ओर से गोपेश्वर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दोपहर को आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विद्यालय की छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद डीएम स्वाति एस भदौरिया ने एसपी यशवंत सिंह चौहान को जल्द ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस की ओर से छात्रा के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और पीड़िता के स्कूल के प्रधानाचार्य ने थाने में दी तहरीर में बताया कि 1 अक्टूबर को क्रॉस कंट्री दौड़ में शामिल होने के लिए उसके विद्यालय की एक छात्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम गई थी, लेकिन देरी होने के कारण वो दौड़ में शामिल